आज यूपी केरल में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज अंतिम चरण में चुनाव के लिए पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। आज यूपी में बीजेपी की ओर से पीएम पद के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी करेंगे 4 चुनावी रैलियों को संबोधित, जबकि राहुल की होगी 3 रैलियां। नरेंद्र मोदी आज यूपी के डुमरियागंज, महाराजगंज, बांसगांव और सलेमपुर में करेंगे रैली। सुबह करीब 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रैलियों के जरिए जनता से होंगे रूबरू। राहुल गांधी यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर में करेंगे चुनावी रैलियां। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट देने की अपील करेंगे राहुल। यूपी में कल होना है मतदान। सूबे की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अमेठी में भी होगा मतदान। अमेठी को कहा जाता है कांग्रेस का गढ़। पंजाब के होशियारपुर से बीएसपी उम्मीदवार भगवान सिंह चौहान ने तोड़ी मर्यादा, कहा रामदेव का सिर लाने वाले को 1 करोड़ का दूंगा इनाम। यूपी के बलिया में गडकरी ने गांधी परिवार की उड़ाई खिल्ली, जनता से कहा कांग्रेस में अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए है आरक्षित। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। गडकरी ने अमित शाह के बयान का भी किया समर्थन, कहा दुर्भाग्यवश आजमगढ़ आतंकवादियों का केंद्र बन गया है। सबको आतंकवादी नहीं कहा है, पर आतंकवादी गतिविधि का वो एक केंद्र बना है दुर्भाग्यवश, कहा उसमें कोई गलत नहीं कहा। सबको आतंकवादी नहीं कहा है, पर आतंकवादी गतिविधि। कांग्रेस मुसलमानों को पढ़ा नहीं रही है बल्कि शोले फिल्म के गब्बर की तरह डरा रही है, गडकरी ने कहा कांग्रेस चुनाव में मुद्दों से भाग रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने की कभी कोशिश नहीं। कांग्रेस मुसलमानों को कभी धनवान नहीं बनाना, पढ़ा लिखा नहीं बनाना चाहते। कांग्रेस का इस चुनाव का सबसे बड़ा नारा, सबसे बड़ा कांग्रेस। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह ने भी केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा वक्त बदलने का आ गया है, विकास का मौसम लौट आया है। अमेठी में मोदी ने विकास किया, विकास की गंगा बहाने का दावा, कहा जो 40 सालों में नहीं हुआ वो 60 महीने में होगा। राहुल को क्षेत्र के 10 गांवों का नाम भी नहीं पता। राहुल के गढ़ में गर्जे नरेंद्र मोदी, अमेठी में जुटे समर्थकों की भीड़, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी को दिखाए काले झंडे। राहुल के गढ़ अमेठी में मोदी ने गांधी नेहरू परिवार पर किया हमला, कहा 3 पीढ़ियों ने किया अमेठी को बर्बाद, प्रियंका का पलटवार, मेरे पिता का किया अपमान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमेठी पहुंचे मोदी, अमेठी वालों को दिया विकास का नारा, कहा देश के विकास से पहले अमेठी का करूंगा विकास। यूपी के अंबेडकर नगर की रैली में मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा बीजेपी मांगना जानती है लूटना नहीं। मोदी ने मेरे शहीद पिता का किया अपमान, अमेठी में प्रियंका ने कहा बूथ से मिलेगा इस नीच राजनीति का जवाब। मोदी के बोल से कांग्रेस का पार, राशिद अलवी ने भी कहा जसवंत और आडवाणी के आंसू नहीं देखते, सुषमा की धड़कन नहीं सुनाई देती। मोदी जी, आडवाणी जी की आंखों में आंसू नजर नहीं आते जो आपकी वजह से आए, जसवंत सिंह की आंखों में आंसू नजर नहीं आते जो कैमरे के सामने रो पड़े, कौन है जिम्मेदार? आपको सुषमा स्वराज के दिल की धड़कन सुनाई। यूपी के सोनभद्र में मुलायम सिंह यादव ने मोदी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी की लहर को देखकर परेशान है भारतीय जनता पार्टी के नेता। जासूसी को लेकर शकील अहमद ने मोदी को घेरा, कहा जो अपनी पत्नी को छिपाए और दूसरों की पत्नी की ताक झांक करे वो क्या इलेक्शन जीतेगा। जो आदमी अपनी पत्नी को छुपाए, किया कटाक्ष, कहा अम्बेडकर साहब ना होते तो बाप बेटे भैंस चला रहे होते। आदमी अपनी पत्नी को छुपाए और दूसरी महिलाओं की ताक झांक कराए, ऐसे चरित्र के आदमी को क्या हम लोगों के समाज में, जो समाज है, मुखिया भी आप चुनिएगा। बीजेपी लोगों को बांटकर बटोरना चाह रही है वोट, मधुसूदन मिश्र ने कहा नरेंद्र मोदी के इशारों पर बोल रहे हैं अमित शाह। यूपी के बलरामपुर में बेरी ने फिर उगला जहर, कहा राक्षस को बीजेपी ने बनाया है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, फांसी के हकदार हैं मोदी। के बीच में पोलराइजेशन करने के लिए है तो दिया गया है, डिवीजन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना वोट लेना चाहती है। बलरामपुर में बेनी बाबू ने शायराना अंदाज में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर भी किया कटाक्ष, कहा तुम सवरकर सनम सैफई हो गए और हम उजड़कर सनम मुजफ्फरनगर हो गए।
अब की बार रोटी के सारे प्रचार, वाराणसी के होटल में रोटी पर मोदी के नाम की मुहर, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। फैजाबाद की चुनावी रैली में राम मंदिर की तस्वीर लगाकर फंस गए मोदी। चुनाव आयोग ने डीएम से मंगवाई रैली की फुटेज, धार्मिक आधार पर वोट की अपील को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। चुनावी रैली में मोदी की कई बार लिया राम का नाम, मोदी ने लोगों को वायदों पर खरा उतरने का दिया आश्वासन, बोले प्राण जाए पर वचन न जाए। चुनावी रैली में राम और मंदिर की तस्वीर पर कांग्रेस ने भी जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत, बीजेपी पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मोदी के मंच पर प्रस्तावित राम मंदिर की तस्वीर होने को बताया शर्मनाक, बोले बीजेपी हमेशा से ही चुनाव में राम मंदिर मुद्दे का प्रयोग करती है। फैजाबाद में प्रस्तावित राम मंदिर की तस्वीर पर टीएमसी ने भी मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, टीएमसी बोली सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं मोदी। गांधी परिवार पर मोदी के हमले से तिलमिलाई कांग्रेस, राष्ट्रीय दल भी बोले जिसने देश के लिए कुर्बानी दी उसके लिए ऐसे शब्द ने शोभा नहीं देते, 16 तारीख को जनता सबक सिखाएगी। महिला जासूसी कांड में मोदी की जांच से पीछे हटा केंद्र, अगली सरकार पर छोड़ी जिम्मेदारी, 16 मई से पहले जज की नियुक्ति पर यूपीए के साथियों ने उठाए थे सवाल। यूपीए के सहयोगी एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार के कदम का किया था विरोध, पूछा था कि नतीजे आने के चंद दिन पहले ही जांच की याद क्यों आई। बीजेपी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ सरकार ने जासूसी कांड की जांच का किया था ऐलान, मोदी और अमित शाह पर है एक महिला की जासूसी कराने का आरोप। जासूसी कांड में केंद्र के पीछे हटने पर बीजेपी ने ली चुटकी, यशवंत सिन्हा बोले चलो उनको जाते जाते सद्बुद्धि आई। वाराणसी से आपके प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर बोला हमला, आयोग पर लगाया मोदी का पक्ष लेने का आरोप। मोदी के बचाव में उतरी बीजेपी, यशवंत सिन्हा बोले राम राज्य का मतलब होता है सही शासन, राम को किसी धर्म के साथ जोड़कर देखना गलत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी पर बोला हमला, बोली मोदी केवल दो समुदायों को लड़ाने में जुटे। मौलाना मेहंदी हसन बाबा कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के प्रचार में जुटे, बोले मोदी का रास्ता खतरनाक, मोदी ने मेहंदी हसन की टोपी पहनने से किया था इनकार। गोंडा में कांग्रेस प्रत्याशी बेनी बाबू ने मोदी पर किया हमला, बोले हिंदू मुस्लिम करने से नहीं मिलेगी सत्ता। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के राहुल के दावे से प्रियंका गांधी नहीं है सहमत, कहा किसी पार्टी को नहीं मिलेगी फुल मेजोरिटी। अजय राय के प्रचार के लिए नहीं जाएंगे वाराणसी प्रियंका गांधी, मोदी के अमेठी पहुंचने के बाद प्रियंका ने दिया जवाब। सोनिया की रैली में शामिल हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, सोनिया ने मोदी के इतिहास ज्ञान पर उठाया सवाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोनिया ने बीजेपी पर बोला हमला, सोनिया ने बीजेपी पर लगाया बांटने की सियासत करने का आरोप। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी पर फिर बोला हमला, कहा मोदी जी ऐसे लेक्चर देते हैं जैसे कि वो खुद दूध के धुले हैं। अमित शाह के बयान पर बवाल, कांग्रेस ने जताई आपत्ति, दिग्विजय सिंह का पलटवार, चुनाव आयोग करे सख्त कार्रवाई। आजमगढ़ पर अमित शाह के बयान पर बवाल, यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी तिलमिलाए, शाह पर लगाया यूपी को बांटने की साजिश का आरोप। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने भी अमित शाह के बयान पर जताई आपत्ति, माया ने आजमगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार को बताया आतंकी, आयोग से शाह पर कार्रवाई करने की उठाई मांग। अमित शाह के बचाव में उतरी बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी बोले आजमगढ़ हो या कोई पूर्वांचल का जिला 60 सालों में नहीं हुआ विकास। मोदी के सिपा सलार अमित शाह ने आजमगढ़ में मुलायम पर हमले करने के बहाने दिया था विवादास्पद बयान, आजमगढ़ को बताया था आतंकियों का अड्डा। बेनी बाबू ने गोंडा में चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमान वोट के लिए खेला इमोशनल कार्ड, बोले जिंदगी भर मुसलमानों की सेवा करता रहूंगा। अपनी सरकार के मंत्री पर फूटा बेनी बम, बोले जयराम रमेश को नहीं पता जमीनी हकीकत, चुनाव तक घर में एसी लगाकर बैठे न मंत्री जी। महाराजगंज के आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह को समर्थकों ने सिक्कों से तोला, दलित बस्ती की महिलाओं ने चंदा कर सिक्कों से तौलकर प्रभुनाथ को चुनाव में किया सहयोग। मांझी विधानसभा के बसडीला गांव के दलित बस्ती में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ग्रामीणों ने प्रभुनाथ को सिक्के सौंपे, महाराजगंज से प्रभुनाथ लड़ रहे हैं चुनाव।
आंध्र प्रदेश में होने वाला चुनाव दो भाइयों के लिए बना अग्नि परीक्षा। कांग्रेस की नैया को पार लगाने में जुटे चिरंजीवी, जबकि उनके भाई पवन कल्याण ने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नारे को किया बुलंद। नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन पर चल रहे इंटरव्यू में लगे कट की होगी जांच। प्रसार भारती जांच के लिए तैयार, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। झारखंड में पाकुड़ एसपी हत्या मामले में दो माओवादी गिरफ्तार। दुमका जिले के काटीकुंड इलाके से किया गया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने की छापेमारी। मानेवल मुर्मू और मानेवल मुर्मू को किया गया गिरफ्तार। दोनों नक्सलियों का एक ही नाम। 2 जुलाई 2013 को हुई थी हत्या। बिहार में गया के वजीरगंज में नक्सलियों का आतंक। जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और रोड रोलर को किया आग के हवाले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहा था निर्माण कार्य। 4 मार्च से बंद सुब्रत राय आज हो सकते हैं तिहाड़ जेल से रिहा। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट को दी कुछ और प्रॉपर्टी की गारंटी। दिल में सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। दो दोस्तों के साथ मिलकर 23 साल की बेटी ने अपने ही पिता की हत्या की। कांच के टुकड़े से छाती में लगे पेसमेकर को भी निकाला। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। प्यार के चक्कर में फंस गई थी लड़की। हत्या की योजना में प्रिंस और अशोक था शामिल। वारदात की रात कुलविंदर कौर ने अपने घर का दरवाजा रखा था खुला। क्रिकेट विकेट की मदद से वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली के ख्याला इलाके में एक नहर के नजदीक मिली लाश। दलजीत की पत्नी का 3 साल पहले हो गया था निधन। ट्विटर पर भी रजनीकांत का जलवा, पहले ही दिन बन गए 1 लाख फॉलोअर। आने वाली फिल्म कोचाधैया का पोस्टर भी किया शेयर। आज होगा ललित मोदी की किस्मत का फैसला। राजस्थान क्रिकेट संघ के आज आएंगे नतीजे। सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए चुनाव परिणाम जारी करने का दिया है निर्देश। 19 दिसंबर को हुआ था चुनाव। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर विश्वभर में 10 करोड़ से अधिक फेसबुक अकाउंट फर्जी। भारत जैसे देश में इनका प्रतिशत सबसे अधिक। कई लोगों ने फेसबुक पर एक से अधिक अकाउंट बनाए। केनरा बैंक को मार्च 2014 में समाप्त चौथी तिमाही के दौरान कुल 610.83 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 15.8% कम है। TDSAT की ओर से रोमिंग सेवा में राहत मिलने के बाद भारतीय एयरटेल की 3G रोमिंग सेवाएं 8 सर्कलों में आज से बहाल। 9 राज्यों में ग्राहकों को मिलेगी फ्री रोमिंग सेवा।